मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या थॉट प्रोसेस था जो उन मैम का, मोहतरमा का क्वेश्चन था. आई एम श्योर कि आपको भी इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर चाहिए होगा. क्या थॉट प्रोसेस था, कैसे आपके दिमाग में ये गाना आया कि कुछ पुरानी इंस्पिरेशन लेकर के एक और नई चीज़ खूबसूरत बनाई जाए? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि पहले तो आपका थैंक यू सबका, आप आने के लिए. और मेरा ये फर्स्ट इंटरव्यू है तो मैं नर्वस हो. गाइस प्लीज जोरदार तालियां हो जाए, इनका फर्स्ट इंटरव्यू है. कम ऑन गाइस, वी कैन हाइप हिम अप अ लिटिल मोर. तो मैं पंजाब से हूं तो मेरी इंग्लिश का आपको अंदाजा हो जाना चाहिए. इंग्लिश आती नहीं है तो हिंदी में बात की जाएगी. तो हम एक दिन ऐसे सुन रहे थे, क्योंकि ये ऑलरेडी आप सबको पता है कि बहुत ही बड़ी फिल्म का, बहुत ही बड़े गाने का, बहुत ही प्यारा अंतरा था. शावा शावा गाना आपको सबको पता है. तो मैं और अजीम भाई एक दिन बैठे थे और हमने सोचा कि यार ये काश अगर ये गाना थोड़ा सा और बड़ा होता, कैसे हो सकता था, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा था जितना वो पार था. देखा तेनू पहली बार. तो फिर हमने सोचा कि यार लेट्स डू इट, एक बार इसको पूरा करते हैं. हमने इसको एज कवर वर्जन के लिए बनाया था पहले. फिर जब ये गाना धीरे 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 करते बनता गया तो फिर डिसाइड किया गया नहीं ये एक बहुत बड़ी फिल्म में होगा. तो ऐसे ही ये गाना बना. तो फिर इसमें पंजाबी लिखी गई, हिंदी लिखी गई, और आई एम श्योर कि समीर सर ने ये ओरिजिनली लिखा है तो उनका बहुत थैंक्स. और आदेश सर ने कंपोजिशन की थी. और अ बिग थैंक्स टू करण सर जिन्होंने ये अलाउ करा कि हम ये गाना कर सकते हैं और इतनी बड़ी फिल्म में आएगा. तो ऐसे ये गाना बना.